नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का गरीब मजदूरों के प्रति जो रवैया है, जिस तरीके से इस लॉकडाउन के माध्यम से गरीब मजदूरों को उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ मजाक किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या गुनाह है, क्या गुनाह है इन गरीब मजदूरों का कि मोदी जी आपको, इन गरीब मजदूरों ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको प्रधानमंत्री चुना? यह गुनाह है इनका, योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुना, यूपी के मुख्यमंत्री को चुना, बिहार के 15 साल से नीतीश कुमार को चुना। यह गुनाह है बिहार की जनता का, यूपी की जनता का, झारखंड की जनता का, जो आज ये गरीब मजदूर अपने परिवार के पास जाने के लिए तरस रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ये नई नई गाइडलाइन प्रत्येक दिन मोदी सरकार जारी करती है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने देश में रह के अपने घर पे जाने के लिए। इससे ज्यादा और कोई शर्मनाक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, भारत सरकार ने कहा कि 15% राज्य सरकार को किराया देना होगा रेलगाड़ियों का। बिहार सरकार का आज बयान है कि हम 15% देंगे, बदले में 500 रुपया भी देंगे, लेकिन वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गुजरात हो, दूसरे कई राज्य हैं, महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, कर्नाटक है, क्या कहते हैं ये, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, मतलब तमाम सारे शहरों के अंदर ये लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। तो कहीं डीएम बोलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, कहीं पे बोलता है उसका पर्चा फाड़ के फेंक दिया जाता है, कहीं पे बोलता है कि 800 रुपए लगेगा, कहीं 1500 रुपए लगेगा। इस तरीके के कॉल हमारे पास आ रहे हैं बेतहाशा, तो बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है भारत सरकार का ये रवैया। दारू बिकवाने के लिए तो आपने 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगवा दी, क्यों? लेकिन गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए इतनी सारी प्रक्रियाएं से गुजरना होगा। मोदी जी, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, इतना ही कहूंगा। क्या कहते हैं, 5 साल के लिए जनता ने चुना है, आजीवन के लिए नहीं, इस बात को कभी मत भूलना। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय मां भगवती। मां भगवती, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को थोड़ी सी बुद्धि दे, तरस खाइए इन गरीब मजदूरों पे। जय हिंद।